बेटा हमारे पास जो है ये लिमिट का लेक्चर नंबर 3 है। अच्छा, इसमें हम लोग जो है बेटा कुछ ऐसा देखते हैं। पिछली क्लास में हमने लिमिट के कुछ क्वेश्चंस किए थे, 7 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म्स देखी थी, फिर उसमें पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल वाले कुछ क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने जो है बेटा, रैशनलाइज करने वाले कुछ क्वेश्चंस किए थे। बाइनोमियल थ्योरम मैंने बताया था कि 1+ जब भी पावर में उल्टी सीधी कोई पावर आ जाए, जैसे 1+ x की पावर PYQ टाइप किया जाए, तो आप बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन उसको जो है अभी मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करवाई थी उस पर, तो उस पर चलते हैं, ठीक है बेटा, कि कैसे यूज़ करना है बाइनोमियल थ्योरम को। यूज़ ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, यूज़ ऑफ बाइनोमियल थ्योरम इन लिमिट, ठीक है बेटा, देखते हैं। तो यहाँ पर बेटा कुछ ऐसा है, जैसे जब भी कभी 1+ x की पावर जो है वो मतलब दिख जाए आपको उल्टी सीधी कोई, जैसे कि PYQ टाइप की है ना, PYQ टाइप की, तो उसको थोड़ी देर के लिए तो खैर हम n ही मान लेंगे। और बेटा यहाँ x क्या होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, x जो है बेटा मोड x 1 से कम होना चाहिए, तब हम इसका यूज़ करेंगे। मतलब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, ताकि पावर बढ़ती जाए तो वैल्यू घटती जाए। और इसकी बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1+nx+n(n-1)/2×(2)2। ये आप जानते हैं कि कैसे कैसे आता है, कोई दिक्कत है, जितनी पावर है उतनी फैक्टोरियल नीचे लग जाता है ना। ये बाइनोमियल थ्योरम आपको ध्यान आ रहा होगा, इसी का हम लोग यूज़ करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं कैसे है ना, और जब भी क्या, जब भी उल्टी सीधी कोई पावर आ जाए तब ऐसा हमें करना है। मान लीजिए मैंने जो है एक क्वेश्चन लिखा बेटा, नेक्स्ट पेज पे मैं कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने जो है एक क्वेश्चन लिखा, यहाँ है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी क्यूब रूट ऑफ x³+3x² माइनस स्क्वायर रूट के अंदर में x² -2x, कुछ ऐसा है। बेटा एक बात बताइए, x इन्फिनिटी है, पुट करने पर क्या आ रहा है, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी, तो कौन सी फॉर्म बनी बेटा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बनी, तो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है, सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा पावर कैसी है बेटा, इसे आप ऐसे बोल सकते हैं कि x³+3x² की पावर कितनी है भैया, 1/3, माइनस x² -2x की पावर कितनी है बेटा, 1/2। आपको अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो दो बातें यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा, एक तो ये कि मैंने बोला था कि हाईएस्ट पावर कॉमन ले लिया करें अगर एक्स को इन्फिनिटी रखना है तो अगर एक्स को इन्फिनिटी रखना है तो बेटा आप जो है हाईएस्ट पावर कॉमन ले लीजिए एक्स की, एक तो ये वाली बात है। या फिर एक बात का और ध्यान दीजिए कि बेटा देखो दो टर्म है पावर में, क्या है PYQ टाइप की पावर है, PYQ टाइप की पावर आ जाए तो हम क्या करते हैं बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम में क्या होना चाहिए, 1+1 से छोटा नंबर। तो बेटा जब हाईएस्ट पावर आप कॉमन लोगे, x³ मान लीजिए आपने कॉमन लिया, तो ऊपर 1/3 है तो x बाहर आएगा, तो अब क्या बनेगा, 1+3/x, ये बन रहा है बेटा 1, एक मिनट रुक जाइए, ये हमारे पास बनने वाला है भैया 3/x की पावर 1/3। हाँ देखिए x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो 3/x क्या हो गया, 0. समथिंग, लगभग 0, सही है, बिल्कुल सही है ना, मतलब थोड़ा 1+, और ये एक बहुत छोटी क्वांटिटी बना लिया करो, तब आप इसका बाइनोमियल का यूज़ किया करो बेटा। ये कुछ ऐसा हो गया, माइनस यहाँ क्या दिख रहा है मुझे, x² कॉमन लीजिए तो x बाहर आ जाएगा क्योंकि ऊपर 1/2 है, तो 1 -2/x की पावर 1/2। बेटा x दोनों जगह से कॉमन आ गया तो ये कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x आ गया बेटा बाहर, और ये जो बचा मेरे पास इसको मैं बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर देता हूँ, तो 1+nx(n)(x) की जगह पे 3y(x) है, प्लस आगे क्या आने वाला है बेटा, n(n-1)/2×(x²), x मतलब 3y(x), ठीक है बेटा, इतनी टर्म काफ़ी है हमारे पास। अच्छा तो ये तो ऐसा हो गया, माइनस के बाद क्या लिखा हुआ है बेटा,
इसको भी एक्सपेंड करें, x की जगह पर माइनस टू बाई एक्स यहाँ पर यूज होगा, तो हो गया वन प्लस एन एक्स, मतलब वन बाय टू इंटू माइनस टू बाई एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर टू, ये ऐसा होगा प्लस डॉट डॉट डॉट, ज़्यादा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा, इसमें ऐसा होगा वन से तो वन कट जाएगा क्योंकि ये प्लस वाला होगा ये माइनस वाला। और देखिए रिमेनिंग को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स बाहर से लगा हुआ है, ये कितना हो गया, यहाँ हो गया बेटा थ्री से थ्री कट गया, यहाँ टू से टू कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये फाइनली आ गया बेटा टू बाई एक्स। अच्छा नेक्स्ट वाला जो है उसे अगर मैं अभी फिलहाल ज़्यादा सिंप्लीफाई कर नहीं रहा हूँ, या आप चाहें तो कर भी सकते हैं, ये आ गया जैसे माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर, और बेटा ये कितना हो गया था, ये दो फैक्टोरियल भी था ना, अच्छा तीन से तीन कट गया, दो से दो कट गया, तो ये सीधे माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर हो गया, और ये वाला कितना हो गया बेटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मेरे पास बच रहा है एक्स स्क्वायर, नीचे में दो पावर कट गई, नीचे में टू बच गया, तो ये बच गया बेटा वन बाई टू एक्स स्क्वायर, और जी माइनस का वन बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस वन बाय टू एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ बच गया। बेटा एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया टू प्लस, बेटा नीचे में पावर ज़्यादा है तो नीचे में जो है बचा रह जाएगा एक एक्स, और जब अब आप बेटा x को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मेरे पास x इन्फिनिटी तो 2, और ये नीचे में इन्फिनिटी आएगा तो 0 हो जाएगा, तो फाइनली 2 आंसर आ गया। तो समझ रहे हैं आप बात को कि क्या करना है बेटा, जब भी जो है ये इस तरह की पावर आ जाए उल्टी सीधी p बाई क्यू टाइप की, तो आप क्या करें इसको यहाँ वन बना लें कॉमन ले करके, और ये दूसरी बात ध्यान रखें कॉमन उसको लें जिससे कि वन के साथ में जो लिखा हुआ प्लस में आ रहा है वो जो है एक बहुत बहुत छोटी क्वांटिटी रहे, और बस बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दें, दो तीन टर्म काफ़ी हैं एक्सपेंड करने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा, समझ गए बेटा बाइनोमियल कैसे यूज करना है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री कंप्लीट की पावर वन बाय थ्री माइनस एक्स, इसकी मुझे वैल्यू बतानी है। जब आप इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनते ही हम क्या देखते हैं कि भैया हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए जैसे इसको बेटा पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए चाहे तो आप, तो कितना हो जाएगा ये, अगर अच्छा सबसे पहले आप ऐसा भी कर सकते हैं बेटा कि इन्फिनिटी है एक्स को इन्फिनिटी रखना होता था तो हम हाईएस्ट पावर कॉमन लेते थे, यहाँ से भी एक्स कॉमन, यहाँ से भी एक्स कॉमन, यहाँ से भी ऊपर वन बाई थ्री है, तो ओवरऑल एक्स बाहर आ गया, तो मेरे पास बच गया वन प्लस वन बाई एक्स, वन प्लस टू बाई एक्स एंड बेटा वन प्लस थ्री बाई एक्स, और सबके ऊपर अलग अलग मैंने पावर कर दी वन बाई थ्री, ये तो हो ही जाएगी बेटा इनटू में थे तो पावर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब आगे देखिए तो यहाँ पर जो है हमारे पास बेटा कुछ ऐसा हो जाएगा, इन सबको एक्सपेंड करते हैं, इसको देखिए ये वन है और ये बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, चूँकि एक्स लगभग इन्फिनिटी तो वन अपॉन इन्फिनिटी लगभग जीरो, तो ये वन प्लस एन एक्स, वन प्लस एन एक्स काफ़ी है मेरे पास, वन बाय थ्री इंटू वन बाय एक्स बेटा काफ़ी है, वन प्लस एन एक्स के बाद क्या था एन इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मैं एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ बेटा कि उतने ही एक्स हमें लिखने में काम आते हैं, उतनी ही पावर तक हम जाते हैं, वन प्लस एन एक्स, एन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इसमें पावर बढ़ती जाती है ना बेटा बाइनोमियल एक्सपेंशन में, उसमें आप उतनी ही पावर तक जाया करें जितना हमारे पास एक्स कट जाए। जैसे ये एक्स था बेटा, ये एक्स कटेगा तो बस आगे वाला तो कट नहीं पाएगा ना, आगे वाले में एक्स बचा रह जाएगा, तो जहाँ तक का एक्स कट जाए मल्टीप्लाई या डिवाइड होकर के वहाँ तक बचा के रखें काफ़ी है। और देखिए बेटा ये कितना हो गया, वन प्लस वन बाई थ्री इंटू टू बाई एक्स, ये कितना हो गया बेटा, वन प्लस वन बाई थ्री इंटू थ्री बाई एक्स माइनस एक्स। देखिए ये जो है जब मेरे पास कुछ ऐसा होगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर मल्टीप्लाई या फिर सीधे सीधे ऐसे करके चले जाइए, तो वैसे अगर जब मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा बेटा देखिए कितना आ रहा है, वन इंटू वन एक वन आ जाएगा, प्लस एक्स वाली टर्म कितनी आएंगी वो देखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा बेटा वन बाई एक्स इंटू वन बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री वन, वन प्लस वन टू, टू हो गया ऐसे,
फिर हमारे पास आएगा फिर वन बाई एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो वन बाई एक्स स्क्वायर वाला टर्म कितना आएगा, देखिए ये हो गया 2/9 प्लस इसका इसका मल्टीप्लाई हुआ 2/9, 2/9 प्लस इसका और इसका मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया बेटा कितना 6/9, तो 6 और 2 8, तो 8/9 हो गया, और ये हुआ तो 3/9, तो 8 और 3 11, तो 11/9 इंटू नीचे में एक्स स्क्वायर, ऐसे बेटा चलता जाएगा, फिर समथिंग के इंटू में 1/(x³) भी आएगा। लेकिन आपको पता, मैंने पहले भी बोला है कि रिकॉर्ड सिर्फ उतने का ही रखें जितने का जो है हमारे पास बाहर से x का मल्टीप्लाई डिवाइड होकर कट रहा हो, तो बेटा इन सब का रिकॉर्ड की वैसे में ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं, खैर लिखा हुआ तो बड़ी अच्छी बात है। बेटा ये क्या हो गया मेरे पास, जब x का मल्टीप्लाई हुआ इसमें तो कितना हो रहा है, जब x का यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया बेटा मेरे पास x प्लस 2 प्लस यहाँ x है, यहाँ 1/(x²) तो 1/(x) बच जाएगा बेटा 11/9। नेक्स्ट वाले में समथिंग इंटू 1/(x) स्क्वायर बच जाएगा और माइनस x एक लिखा हुआ था, इससे बेटा ये कट गया। अब जब आप x को इन्फिनिटी पुट करेंगे ना, तो देखो ये टर्म काम की नहीं है, मैंने बोला था ना इनको ज़्यादा लिखना मत, क्योंकि ये काम की नहीं होती बेटा ज़्यादा पावर वाली टर्म। जैसे x है, जैसे ये था, x को इन्फिनिटी रखेंगे तो नीचे में इन्फिनिटी तो 0 हो गई, तो ये भी 0, ये भी 0, क्या बचा सिर्फ 2 बच गया बेटा, ये हमारा आंसर है। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है बेटा। अब आगे चलें, देखिए और आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे बेटा मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है कि f(x)=(x²−9x+20)(x-greatest integer x), और मुझसे बोला गया कि आप बताइए लिमिट x→5 fx। तो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर का केस है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर केस में हम क्या करते थे, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू रखते थे, तब हम आगे उसको सिंप्लीफाई करते थे। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में काम करूँगा, अगर मैं LHL में काम करूँगा, एक्चुअली बात यह ना कि 5 के बेटा लेफ्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर अलग काम करेगा, राइट में अलग काम करेगा, इसलिए मैं LHL अलग अलग बातें कर रहा हूँ। तो भैया अगर मैं LHL की बात करूँ, तो जब मैं लिमिट x→5- पे काम करूँगा, 5 से छोटे पे काम करूँगा, तो बेटा 5 से छोटे के लिए ऊपर वाला तो मान लीजिए यही रखा हुआ है, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, जब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर आप रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 5 से 10 छोटे पे क्या आएगी, 4 आएगी, 5 से छोटा 10 छोटा नंबर रखा गया तो, है ना। इस तरह से बेटा लिमिट रखने से पहले ही ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू रख लिया कीजिए आप। तो ये कुछ ऐसा आ गया बेटा हमारे पास x-4, कोई दिक्कत है। अब देखिए ऊपर में कुछ फैक्टराइज हो रहा है क्या, 5 × 20 x-4 and x-5 / x-4 कट गया बेटा, लिमिट x→5- लगभग जब पुट करेंगे 5-5 = 0। अब मैं बात करता हूँ बेटा राइट हैंड साइड की, राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट की मैंने बात की, मतलब मैं बात करने जा रहा हूँ x→5+, तो 5 से थोड़ा बड़ा रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आने वाली है, इस बार 5 आने वाली है। तो ये बेटा कुछ ऐसा हो गया मेरे पास, जब मैं ऊपर वाले को बेटा फैक्टराइज करूँगा x-5 and x-4 / x-5, तो बेटा ऐसे कट गए, जब आपने इसको 5 पुट किया तो 5-4 कितना हो गया बेटा, ये 1 हो गया। तो कोई दिक्कत है बेटा इसमें, आगे चलें। तो समझ गए बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, हमने से लिमिट मांगी गई थी ना, तो LHL अलग आया, RHL अलग आया, इसका मतलब क्योंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कोई दिक्कत है बेटा इसमें, आगे देखते हैं ना। तो समझ के बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर की लेफ्ट और राइट साइड पहले ही रख दिया कीजिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व किया कीजिए। अब हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं, बेटा एक आता है हमारे पास सैंडविच थ्योरम या फिर स्क्वीज प्ले थ्योरम, है ना, तो वो हेडिंग डाल लेते हैं, थ्योरम की बात करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए बेटा सैंडविच थ्योरम, या फिर इसे बेटा वो बोल सकते हैं स्क्वीज प्ले थ्योरम। एक ही बात है, दोनों में से कोई भी नाम आए तो। इसमें क्या करना है अब बेटा, आप वो देखिए,
ये कुछ ऐसे बोलता है बेटा कि मान लीजिए हमारे पास तीन फंक्शन हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक बेटा मान लीजिए ये हो गया। जैसे मान लीजिए ये फंक्शन है एफ एक्स, ये फंक्शन मैंने मान लिया एच एक्स और ये फंक्शन बेटा मैंने मान लिया जी एक्स। यहाँ कोई ये एक पॉइंट है एक्स इक्वल टू ए के सामने में। तो अगर मैंने बोला इफ एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स आर थ्री कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए एंड इफ लिमिट एक्स, अच्छा दूसरी बात क्या बोली गई है कि इफ जो एच एक्स है मेरे पास, जो एच एक्स है मतलब ये भी बोल दिया कि एच एक्स और जी एक्स के बीच में एफ एक्स रहता है, ये हमें कन्फर्म है। एच एक्स एफ एक्स और जी एक्स जो है वो कुछ अगर इस तरह से हो, एफ एक्स बीच में रहे, एच एक्स और जी एक्स दोनों साइड में रहे एंड जब एक्स इक्वल टू ए पे ऊपर और नीचे वाले की वैल्यू निकाली जाए, एक मिनट बेटा, एक्स टेंड्स टू ए एच एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स, अगर ऐसा हो मान लीजिए इसकी वैल्यू एल बोल दिया मैंने, मैंने क्या बोला भैया कि अगर हमारे पास जो है ये कन्फर्म कर दिया गया है कि एफ एक्स एच एक्स और जी एक्स के बीच में ही रहेगा, दूसरी बात किसी इस एक पॉइंट पर जो है ऊपर वाले के लिमिट और नीचे वाले के लिमिट इक्वल है, देन भैया बीच वाला भी तो वहीं होगा ना, चूंकि उसे तो ऊपर नीचे वाला इक्वल हो गए तो बीच वाला भी तो उनको उनके साथ ही टच हो गया होगा, थोड़ा ऐसे वाला केस हो गया होगा ना, ऐसे टच हो गए होंगे तीनों, सही बात है, तो तीनों इक्वल हो गए होंगे जब ऊपर नीचे वाला एक जैसा एक साथ मिल गया, तो जो बीच वाला है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देन एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू कितना भैया एल, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब ये है कि अगर हमें कन्फर्म हो कि बीच जो बीच वाला फंक्शन है उससे एच एक्स बड़ा है और जी एक्स छोटा है, और एच एक्स और जी एक्स जो ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज हैं अगर वो इक्वल हो जाएं, तो बेटा क्या करना है हमें उस केस में, अगर ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज इक्वल हो जाएं तो बीच वाले की भी वही वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्वीज प्ले थ्योरम या फिर सैंडविच थ्योरम हम लोग बोल सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा बेटा, नोट कीजिए आप भी साथ के साथ हमें, मेरे पास लिखा हुआ है इफ 4x माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एफ एक्स और बेटा लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 4 एफ एक्स क्या होगा, मतलब मुझसे जो है बोला गया है, तो बेटा हमारे पास जो है जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, इसने बोला कि एफ एक्स जो फंक्शन है वो इन दोनों के बीच में ही रहता है हमेशा, एक्स जीरो से बड़ा कुछ भी हो भले ही। अच्छा दूसरी बात इसने बोली कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 पे एफ एक्स की वैल्यू बताओ, तो जब एफ एक्स के बारे में हमें ज़्यादा डिटेल ना पता हो, हमें सिर्फ इतना पता हो कि एक इधर ये इससे छोटा फंक्शन ये है इससे बड़ा फंक्शन ये है, तो दोनों साइड की लिमिट निकाल लिया करो इसी पॉइंट पे। तो मान लीजिए बेटा मैंने क्या किया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 4x माइनस 9 मान लीजिए बेटा मैंने ये निकाला, कितना आ रहा है पुट करने पर 16 माइनस 9 मतलब 7। ऐसे ही बेटा मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 4 ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 कितना हो गया बेटा ये 16 माइनस 16 प्लस 7 ये भी बेटा 7 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात तो fx इन दोनों के बीच में था, इन दोनों फंक्शन के, और इन दोनों फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी वही हो जाएगी। सो बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 एफ एक्स ये भी इन दोनों के इक्वल ही हो जाएगा।
तो ये हमारा आंसर हो गया। तो समझ गए, जब फंक्शन एग्जैक्टली हमें ना पता हो, फंक्शन की डिटेल ना पता हो, लेकिन हमें ये कंफर्म हो कि फंक्शन के एक लेफ्ट से छोटा फंक्शन कौन सा है, फंक्शन से बड़ा फंक्शन कौन सा है, तो दोनों साइड वाले जो फंक्शन है उनकी लिमिट निकाल लिया करो आप। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें? आगे चलें। देखिए और क्वेश्चंस देखते हैं बेटा इस पे, सैंडविच थ्योरम पे। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है, इफ एफ वन से इन्फिनिटी इनपुट देने पर, कोडोमेन होता है हमारा जीरो से इन्फिनिटी, बी ए कॉन्टिन्यूस डिक्रीजिंग फंक्शन, कॉन्टिन्यूस डिक्रीजिंग फंक्शन विद लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ 4x अपॉन एफ ऑफ 8x इक्वल टू 1, ये बेटा मुझे दिया हुआ है। फिर इसके बाद बोला है इसने, देन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ 6x अपॉन f ऑफ 8x की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा थोड़ा ज़रा ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पर जो x है वो कहाँ का इनपुट जा रहा है, एक से इन्फिनिटी का। ठीक है, मुझे एक बात बताएं, अगर इसने ऐसा दिया हुआ है कि भैया ये कॉन्टिन्यूस डिक्रीजिंग फंक्शन है, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो पहली बात तो ये बताओ मुझे, नॉर्मली अगर x कोई पॉजिटिव है तो 4x से बड़ा होगा 6x और इससे बड़ा होगा 8x, पहली बात तो ये है, कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, x अगर कोई जीरो इन्फिनिटी वगैरह हो गए तो बेटा एक्चुअली इक्वालिटी भी हो सकती है। अब दो और आगे चलते हैं, है ना, ये नॉर्मल बात है, अभी डिक्रीजिंग फंक्शन वगैरह की बात नहीं हुई है। नॉर्मली एक्स कोई पॉजिटिव है तो चार का मल्टीप्लाई करोगे तो छोटा रहेगा, छः का करोगे बड़ा रहेगा, आठ का करोगे और बड़ा हो जाएगा। अब अगर मैं इसमें फंक्शन लगा दूं तो एफ ऑफ 4x, एफ ऑफ 6x और एफ ऑफ 8x, तो बेटा डिक्रीजिंग फंक्शन था, तो जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा वैल्यू फंक्शन की घटती जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, रिवर्स हो गया, मतलब सबसे छोटे इनपुट पर सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़े इनपुट पर सबसे छोटी वैल्यू, ये रिलेशन आ गया। तो मुझे समझ में आ गया कि f4x जो है वो बड़ा है, f6x उससे छोटा है, f8x उससे भी छोटा है, मतलब f6x बीच में है। ठीक है बेटा, अच्छा एक बात और, ये तो पहली बात हो गई, पहला पॉइंट हो गया हमारे पास। अब अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूँ, इसका यूज़ करूँ बेटा अगर मैं, तो मैंने बोला था कि ऊपर में और नीचे में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है लिमिट। तो बेटा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ 4x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ 8x, इसमें कोई दिक्कत है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, नीचे का उधर ले जाएं, तो यहाँ से बेटा कितना हो जाएगा कि भैया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ 4x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ 8x, ये कुछ ऐसा हो गया। इसमें कोई दिक्कत है बेटा? ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा अब देखते हैं और आगे। तो मुझे पता लग गया कि बेटा 6x वाला f ऑफ 6x बीच में है f ऑफ 4x और f ऑफ 8x के, और दोनों साइड की लिमिट जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो बेटा मुझे एक बात बताएं कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो बेटा बीच वाले को भी तो इनके इक्वल होना पड़ेगा ना। तो मान लीजिए ये अगर l है, लेट कर लिया इन दोनों की, तो बेटा जो बीच वाला है बाय सैंडविच थ्योरम जो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ 6x होगा वो भी इनके इक्वल ही हो जाएगा। तो अगर ये l है तो वो भी l हो जाएगा। अच्छा, तो इसीलिए, सिर्फ इसीलिए मेरे पास जो है, जब ये सारे इक्वल हो गए, तो अगर मैं बात करूँ इसकी जो मांगा गया है मुझसे, ये वाला पोर्शन, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ 6x f ऑफ 8x, ये बेटा अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ 6x, ये अलग हो गया बेटा, और नीचे वाला क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ 8x। तो बेटा ऊपर वाला की वैल्यू भी l है, नीचे वाले की भी l है, तो कट के क्या आ गया, 1 आंसर आ गया, ये मेरे पास वैल्यू हो गई। तो समझ रहे हैं आप, अगर कन्फर्म हो जाए कि ये वाला फंक्शन जो है, ये वाला, ये इन दोनों साइड के बीच में है, ये कन्फर्म हो जाए, और बेटा दोनों साइड की, दोनों कॉर्नर फंक्शंस की जो वैल्यू है वो इक्वल आ जाए, तो बीच वाले की भी वही वैल्यू हो जाती है।
कोई दिक्कत है बेटा इसमें? अभी ये तो ठीक है यहाँ तक, अब आगे देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आने पर हमें सैंडविच लगानी ही है, आसान हो जाएगा उससे क्वेश्चन। देखिए नोट कीजिए, जब बेटा इन्फिनिटी वाली सीरीज आती है ना ये एन में, देखिए एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं तब समझ में आएगा। जैसे मुझसे बोला गया लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस टू और देखिए एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस थ्री एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस फोर और चलता जा रहा है बेटा कहाँ तक, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन तक। मान लीजिए ये ऐसे चलता जा रहा है, कोई दिक्कत है बेटा इसमें? अच्छा, तो इस तरह की जब सीरीज आपको दी होती है एन वगैरह में तो उनको कैसे हैंडल करना है वो देखिए। बेटा मैंने एक बात बोली थी, जब तक सीरीज सिंप्लीफाई नहीं होती है तब तक आप लिमिट नहीं रख सकते हैं, पहले सीरीज सॉल्व होगी। ये सीरीज़ अभी हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बेटा हमें इसमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम आगे क्या करें। क्योंकि बेटा देखिए डिनोमिनेटर अगर सेम होता, अगर बेटा ये डिनोमिनेटर सेम होता ना तो हमारा काम फिर भी बन सकता था। ये डिनोमिनेटर अगर सेम होता तो बेटा फिर भी हमारा काम जो है वो बन सकता था। अब देखते हैं क्या करना है। एक बात बताइए, मैंने अगर इस फंक्शन को एफ एन मान लिया, लेट कर लिया, ठीक है, आपको इसकी वैल्यू निकाल के देनी है। अगर आपने इस फंक्शन को एफ एन लेट किया तो मुझे एक बात बताइए बेटा, मैं दो फंक्शन और नहीं लेट कर रहा हूँ, मैंने मान लिया एक एच एन लेट किया, एक बेटा मैंने जो है जी एन लेट किया, ठीक है। अगर मैं एच एन की बात करूं, अगर बेटा मैं एच एन की बात करूं तो देखिए जरा क्या होने वाला है यहाँ पर इसमें देखिए बेटा, अगर मैं ये मान लूँ कि एच एन थोड़ा सा बड़ा फंक्शन है, डिनोमिनेटर देखिए एक बार सबसे छोटा वाला डिनोमिनेटर रख दीजिए, एक बार सबसे बड़ा वाला डिनोमिनेटर रख दीजिए, इन सब में सबसे छोटा वाला डिनोमिनेटर कौन सा है, एन स्क्वायर प्लस वन, ये सबसे छोटा है। तो सभी में अगर मैं वही रख दूँ, सभी में अगर मैं वही रख दूँ एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो मान लीजिए बेटा कि मैं जो हूँ एन स्क्वायर प्लस वन ही, एन स्क्वायर प्लस वन सबसे छोटा वाला डिनोमिनेटर एक सभी में, एक बार सभी में रख दिया कीजिए। तो एक बात बताइए, मैंने सभी का डिनोमिनेटर छोटा कर दिया है ना, पहले टर्म को छोड़ के बाकी सबका देखिए डिनोमिनेटर छोटा हो गया, इससे छोटा डिनोमिनेटर इसका, इससे छोटा डिनोमिनेटर इसके नीचे वाले का होगा, इससे छोटा डिनोमिनेटर ये है, सबका डिनोमिनेटर अगर घट गया है, सभी का डिनोमिनेटर अगर घट गया है तो बेटा सभी का की वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ गई होगी। इसका मतलब मुझे पता लग गया कि जो इस फंक्शन की वैल्यू आएगी एच एन की वो ऊपर वाले से बड़ी रहेगी, मतलब मुझे पता लग गया कि एफ एन से बड़ा रहेगा एच एन। कोई दिक्कत है? एक ही समझ में आ गई बात। और आगे देखिए, एक बार मैं क्या करूँगा, सबसे छोटा वाला, सबसे बड़ा वाला डिनोमिनेटर रख दीजिए, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर क्या है, एन स्क्वायर प्लस एन, तो एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन चलता जा रहा है बेटा, लास्ट में है एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन, ऐसा कुछ सही है। तो बेटा एक बात बताइए, अगर सभी का डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया है क्योंकि एन स्क्वायर प्लस वन था, मैंने रख दिया एन स्क्वायर प्लस एन, बड़ा वाला डिनोमिनेटर रख दिया, तो सबकी वैल्यू घट गई थोड़ी थोड़ी, चूंकि सबका डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ गई, तो सबकी अगर वैल्यू घट गई तो मतलब जी एन जो होगा वो एच एन से क्या होगा बेटा, इसका मतलब जी एन जो होगा बेटा इसका मतलब वो एफ एन से छोटा होगा, चूंकि डिनोमिनेटर बड़ा कर दिया मतलब वैल्यू घट गई। तो हमें समझ में आ गया कि जो हमारा एफ एन है वो जी एन और एच एन से के बीच में है, ठीक है। इनकी वैल्यूज देखें बेटा, ये कितनी है हमारे पास, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन, ये एन टर्म्स है ना, एक दो तीन चार, तो एन इंटू एन ऐसे लिख दो, इसके जब आप वैल्यू निकालेंगे ऊपर नीचे से हाइएस्ट पावर कॉमन लेते हैं ना इन्फिनिटी पुट करते हुए, तो फाइनली आ जाएगा वन। ऐसे ही बेटा जब इसकी वैल्यू निकालेंगे ये भी वही हो जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इंटू एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक है। इसकी भी जब वैल्यू निकालेंगे ये हो जाएगा बेटा हमारे पास वन, तो दोनों की ही वैल्यू वन वन हो गई है। मतलब ये हो गया कि पहली बात तो जो हमारा फंक्शन दिया था एफ एन, ये इन दोनों के बीच में है और दोनों साइड की वैल्यू क्या है भैया, इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास बीच वाले की वैल्यू भी इन दोनों के इक्वल ही हो जाएगी। तो वाई सैंडविच थ्योरम, वाई सैंडविच थ्योरम लिमिट एफ एन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी कितना हो गया बेटा, ये भी वन ही हो जाएगा। तो समझ रहे हैं बात को, कि जब भी इस तरह की कोई सीरीज आए ना बेटा,
जब भी कोई हमारे पास जो है इस तरह की सीरीज आएगी इन्फिनिटी वाली एन वगैरह में, तो आप क्या करें, एक बार सबसे छोटा डिनोमिनेटर रख दें, एक बार सबसे बड़ा डिनोमिनेटर रख दें, तो बेटा उससे क्या होगा, हमारे पास एक छोटी वैल्यू हो गई, एक छोटा फंक्शन हो गया, एक बड़ा फंक्शन हो गया। अगर दोनों साइड के फंक्शन लेकिन इक्वल आ गए तो बोल देना कि हमारा दिया हुआ फंक्शन भी वो वही है। तो समझ गए बेटा कैसे हैंडल करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा कुछ हमारे पास क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट देखते हैं, ठीक है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट देखते हैं हमारे पास। लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो कुछ इन बातों का ध्यान रखें बेटा। जैसे हमारे पास एक ग्राफ को थोड़ा याद ध्यान रखें, मान लीजिए कि ये ग्राफ है एक, बेटा हमारे पास जो है ये ग्राफ है, मान लीजिए ये है एंगल चल रहा है एक्स, ये वाई चल रहा है, और मैं अगर साइन एक्स कोस एक्स वगैरह ग्राफ बनाऊँ, साइन एक्स का बेटा कुछ ऐसे जाता है, वाई इक्वल टू एक्स कुछ ऐसे जाता है, ये हो गया वाई इक्वल टू एक्स, ये हो गया बेटा वाई इक्वल टू साइन एक्स, नीचे को मुड़ गया है ना, जीरो से ऐसे पाई पाई आ जाएगा, ये माइनस पाई, ये ओरिजिन है। मैं कलर चेंज करके बेटा दूसरा करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं अगर टेन बनाऊँ टेन एक्स, तो ये कुछ ऐसे चला जाता है, आपको पता है ना वो इन्फिनिटी पाई बाई टू पैसे टच मारता है, इन्फिनिटी हो जाता है ऐसे, यहाँ भी माइनस पाई बाई टू पैसे टच मारेगा। ठीक है, लेकिन जीरो के जस्ट साइड में अगर मैं देखता हूँ तो बेटा ये लगभग इक्वल होते हैं, देखो तीनों टच से हो रहे हैं ना, तो लगभग तीनों इक्वल होते हैं। तो अब कुछ फॉर्मूले आप यहाँ से जो है बेटा वो ध्यान रखें, जैसे इन फॉर्मूला को बेटा अच्छे से ध्यान रखना, एनसीईआरटी ने भी लिख के दिए हैं, आप भी यहाँ पर ध्यान रखिए। जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, मतलब अंदर में जो हो वो जीरो की तरफ भाग रहा हो, ठीक है, वैल्यू वन होती है। दूसरी बात, ये कोई भी हो बेटा इनमें से, जैसे आप ना ये ध्यान रख लीजिए, साइन एक्स टेन एक्स और क्या है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स एंड एक्स, ये जो पांच फंक्शन है साइन टेन इनके इन्वर्स और साथ में एक्स, इनमें से किन्हीं भी दो दो के आप कॉम्बिनेशन ले लीजिए बेटा एक्स टेंड्स टू जीरो पे, चाहे टेन एक्स अपॉन एक्स ले लीजिए, चाहे बेटा आप जो है साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स ले लीजिए, चाहे बेटा इनको रिवर्स कर दीजिए एक्स अपॉन साइन एक्स वगैरह, चाहे आप जो है बेटा टेन एक्स अपॉन साइन एक्स कर लीजिए, जितने भी इनके कॉम्बिनेशन है बेटा, अब ऐसे आप समझ गए होंगे बहुत सारे आ जाएंगे है ना, जैसे कि और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स बाय टेन एक्स, इन सभी की वैल्यू बेटा फाइनली क्या हो जाएगी, वन बाय वन हो जाएगी। ठीक है, तो समझ गए बेटा इन पाँच को, साइन टेन साइन इनवर्स टेन इनवर्स और x, ये जितने भी इन पांच के जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं डिवाइड कर करके दो दो को, सबकी लिमिट x टेंड्स टू जीरो पर क्या होती है, वन होती है। कोई दिक्कत है भैया इसमें, बस क्या होना चाहिए बेटा, जैसे साइन के अंदर जो लिखा हुआ है वही नीचे होना चाहिए और लिमिट पुट करने पर जीरो की तरफ को भागना चाहिए। ठीक है, जैसे टेन के अंदर जो लिखा है वही नीचे होना चाहिए और जीरो की तरफ भागना चाहिए लिमिट में। ठीक है, अच्छा, तो इन सब फॉर्मूला को आप जो है बेटा वो ध्यान रखेंगे कि इन पांच के जितने भी हमने कॉम्बिनेशन आज तक पढ़े हैं दो दो को पकड़ पकड़ के, सबकी x टेंड्स टू जीरो पर लिमिट क्या होगी भैया, वन हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी और आगे की, देखिए अब थोड़ा सा एक डिफरेंस कहाँ पे आएगा, जैसे अच्छा एक दूसरी बात मान लीजिए, मैंने बोला बेटा आपको लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये, या फिर मैंने बेटा आपको बोला कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स अपॉन साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, या फिर बेटा मैंने आपको बोला कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टेन एक्स बाय एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, या फिर बेटा मैंने बोला लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो
टेन इनवर्स अपॉन एक्स, मतलब कोई भी मैं दो दो के वही कॉम्बिनेशन लिख रहा हूँ, इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी। तो बेटा मुझे एक बात बताएं आप कि हमारे पास जो है बेटा, जैसे साइन एक्स वाई एक्स है, लिमिट पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर तो बेटा ऊपर से लगा है ना, पहले तो लिमिट लगी है, लिमिट की वैल्यू आप अगर पुट कर देंगे तो भैया अभी अभी तो हमने पढ़ा है कि साइन एक्स कोस एक्स सॉरी साइन एक्स टेन एक्स साइन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स और एक्स, पांच के कोई भी कॉम्बिनेशन हम दो दो के लेंगे, लिमिट लगाएंगे एक्स टेंड्स टू जीरो पे, तो क्या वैल्यू आने वाली है, वन वन, और ऊपर से ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो वो बाद में काम होगा उसका, तो वन 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 सबकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, वन हो जाएंगी, चूंकि पहले लिमिट लगी, लिमिट ने भैया वन वैल्यू दे दी, ऊपर से ग्रेटेस्ट इंटीजर आया तो वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो वन ही रह गया, कोई दिक्कत है इसमें। लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा, यहाँ बेटा थोड़ा सा चेंज आएगा, कैसे वो देखिए, अगर लिमिट बाहर हो और ग्रेटेस्ट इंटीजर अंदर हो जाए इन्हीं में तो थोड़ा सा लफड़ा हो जाता है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए इस वाले कॉन्सेप्ट को, ठीक है भैया। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास जो है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो और यहाँ x अपॉन साइन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब यही पांच के कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन लिमिट बाद में लगाई गई है, बाहर में लगाई गई है, पहले क्या करने जा रहा हूँ बेटा, मैं पहले मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा चुका हूँ, जैसे x टेंड्स टू जीरो x अपॉन टेन इनवर्स x या फिर x अपॉन टेन x, सब पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x लगा हुआ है, मैं साइड में लिख देता हूँ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है सबके ऊपर, ठीक है भैया, कोई दिक्कत है इसमें। चले आके देखिए इनको कैसे हैंडल करना है, पहले बेटा वो देखें, देखिए आपने अभी ग्राफ देखा था, मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, ये ग्राफ देखा था ये वाला, इसमें देखिए एक्स टेंड्स टू, अगर मैं जीरो पे काम कर रहा हूँ तो एक्स तो जीरो की जस्ट साइड में काम कर रहा हूँ, मतलब मैं तो जीरो के जस्ट राइट साइड में, आप चलकर देखिए साइन एक्स सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा एक्स होगा, उससे बड़ा टेन एक्स होगा, ठीक है। तो मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं एक्स की जस्ट साइड में देखा तो बेटा कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया मेरे पास साइन एक्स से बड़ा है एक्स और उससे बड़ा है टेन एक्स। तो इस रिजल्ट का आप अच्छे से ध्यान रखें। अब मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ जा रहा हूँ तो मुझे पता है बेटा कि रिजल्ट क्या है हमारे पास, साइन एक्स से बड़ा है एक्स, उससे बड़ा है टेन एक्स, ठीक है। अच्छा अगर मैं इन्हीं इस मैं जब भी ये वाले कॉम्बिनेशन आएंगे बेटा, देखिए अगर पहले लिमिट लगे बाद में ग्रेटेस्ट इंटीजर तो सारे कॉम्बिनेशन वन है, लेकिन पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर लगे तो मैंने बोला था आपको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पहले रखी जाती है, लिमिट बाद में, ठीक है। तो आपको सोचना पड़ेगा, आप इस रिजल्ट को याद रखें कि साइन एक्स से बड़ा है एक्स, उससे बड़ा है टेन एक्स, जीरो के जस्ट राइट साइड में। आप जैसे साइन एक्स और एक्स दिया हुआ है आपको, तो आप सिर्फ ये दो टुकड़े ले लें, मतलब जो यहाँ पर दो दिए हों वही टुकड़े यहाँ से उठा लें, और बेटा मुझे साइन एक्स अपॉन एक्स की बात करनी है ना, तो अगर ये लिखा हुआ है एक्स तो कोई जीरो से जस्ट साइड में राइट साइड में है तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, ऐसे डिवाइड कर दीजिए तो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, एक से जस्ट छोटा, तो क्योंकि ये एक से जस्ट छोटा है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया। सिमिलर मैनर में जैसे इसको मैं रिवर्स कर दूं तो x अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा बेटा, एक से बड़ा, मतलब वन अपॉन कर दिया मैंने दोनों साइड में, तो x अपॉन साइन एक्स एक से बड़ा हो गया, तो बेटा ये एक से बड़ा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इज वन। मैं अगर साइन इनवर्स की बात करूं बेटा, देखिए तो साइन x और x यूज हुआ है ना, इन्हीं को ले आइए, जैसे ये साइन x लेस देन x, ये हमें पता है यहाँ से रिलेशन, तो साइन को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, तो ये उधर जाकर कितना हो गया बेटा, साइन इनवर्स x, ये कुछ हमारे पास जो है वो ऐसा हो गया। जब ये ऐसा हो गया बेटा हमारे पास, तो देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, अगर x लेस देन साइन इनवर्स x है तो बेटा x से ऐसे डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये, साइन इनवर्स x अपॉन x, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो एक से बड़ा है साइन इनवर्स x, x अपॉन x, तो बेटा इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, वन हो गया। तो यहाँ से आप हैंडल करें, जैसे मान लीजिए एक्स और टेन इनवर्स यूज हुआ तो क्या करें आप, हम जानते हैं इनमें क्या रिलेशन है यहाँ से कि एक्स लेस देन टेन एक्स, ये रिलेशन है, टेन को इधर लाएंगे तो टेन इनवर्स बन जाएगा, मुझे x अपॉन टेन इनवर्स चाहिए, इससे ऐसे डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा बेटा ये, वन लेस देन x अपॉन टेन इनवर्स x, ठीक है। तो ये कितना हो गया, एक से जस्ट बड़ा है x अपॉन टेन इनवर्स x, तो ग्रेटर देन इज वन। x अपॉन टेन x की बात करूँ बेटा, जैसे यहाँ से मुझे पता है कि x लेस देन टेन x है, टेन x इधर नीचे डिवाइड मारूंगा तो x अपॉन टेन x एक से छोटा हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इज जीरो। तो समझ रहे हैं बेटा इनको कैसे लाना है, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, और लाना किससे है, सिर्फ इसी रिलेशन से लाना है।
तो इसको आप अच्छे से कहीं ना कहीं लिख लीजिए इस रिलेशन को, और अपनी कॉपी पे एक बार प्रैक्टिस करके ये इनको मैं जैसे मैं लिखा रहा हूँ ऐसे रट के मत लिखना डायरेक्टली, इससे निकाल निकाल के लिखने की कोशिश करना इस रिलेशन से, ठीक है। साइन एक्स लेस देन एक्स लेस देन टेन एक्स, और बेटा ध्यान रखना ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले हो बाहर में लिमिट हो तो इनके इसका यूज़ करें, अदरवाइज लिमिट पहले हो तो सबकी वैल्यू वन हो जाती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो बाद में लग रहा है तो फिर कोई दिक्कत होगी नहीं। तो इसका ध्यान इन दोनों में पहले बाद डिफरेंस भी ध्यान रखना कि लिमिट बाद में लगे ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले तब इसका यूज करना है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है भैया। कोई दिक्कत है बेटा इसमें, आगे चलें क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर जो है ना बेटा एक दूसरी बात है, आप लोग ऐसे नहीं सोचेंगे यहाँ पर कि भैया हमारे पास जो है कि हमारे पास तो जो है साइन एक्स अपॉन एक्स दिया हुआ है तो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो पर वन होगा, ये तो आपने याद कर लिया। लेकिन मैं से ये कहना चाहता हूँ कि ये एक्स दिखना ज़रूरी नहीं है, बस ये होना चाहिए कि जो यहाँ हो वही यहाँ पर हो, ऊपर नीचे सेम हो, जो साइन के अंदर हो वही नीचे में हो, और लिमिट रखने पर जीरो की तरफ भाग रहा हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ बेटा, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ बेटा, अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल लूँ तो मैंने अगर बोला कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो और बेटा साइन एक्स बाय फोर, और नीचे भी मान लीजिए एक्स बाय फोर है, तो अगर आप इस लिमिट को पुट कर रहे हैं तो क्या ये जीरो की तरफ जा रहा है एक्स बाई फोर जो साइन के अंदर वाला है? हाँ बिल्कुल, एक्स जीरो रखने पर एक्स बाई फोर भी जीरो और ये भी जीरो, तो बेटा दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ जो हो बस वही यहाँ होना चाहिए, एग्जैक्ट एक्स दिखना जरूरी नहीं है, जो यहाँ हो वही यहाँ पर हो, तो बेटा वैल्यू सीधे वन, बस जो यहाँ हो वही यहाँ हो, एक्स की जगह एक्स बाई फोर कुछ भी चलेगा, है ना, बस जीरो की तरफ भागना चाहिए। जैसे और देखिए, जैसे मान लीजिए बेटा कि मेरे पास अगर लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, मेरे पास लिखा है साइन के अंदर टेन एक्स अपॉन टेन एक्स, तो देखो जो साइन के अंदर है वही नीचे है, तो इसको अगर एक्स की तरह आप ट्रीट करोगे तो यही नीचे है, साइन एक्स बाई एक्स बन गया, बस जो अंदर हो वही बाहर हो नीचे हो, और बेटा एक्स को जीरो पुट कर रहे हैं तो टेन एक्स कहाँ जा रहा है? जीरो की तरफ, तो सही है, साइन के जो अंदर है वही नीचे है और जीरो की तरफ को भाग भी रहा लिमिट पुट करने पर, तो वैल्यू इज वन। तो समझ गए बेटा, यहाँ एग्जैक्ट एक्स दिखने की जरूरत नहीं है, एक्स की जगह कुछ भी दिखे, बस दोनों जगह सेम हो और लिमिट पुट करने पर जीरो की तरफ भाग रहा हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि टेन के अंदर में मेरे पास हो गया बेटा क्या, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, और मैंने यहाँ बोल दिया बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू, तो देखना बेटा जब मैं इसको पुट कर रहा हूँ पाई बाई टू को, तो कॉस क्या बना देगा? जीरो। ये भी क्या बना देगा? जीरो, कॉस पाई बाई टू इज जीरो। तो बेटा देखिए टेन के अंदर यहाँ जो है वही नीचे है, तो इसको एक्स की तरह ट्रीट करें, और बेटा ये भी जीरो की तरफ भाग रहा है, ये भी जीरो की तरफ भाग रहा है, तो टेन एक्स बाई एक्स और एक्स जीरो की तरफ भाग रहा है, तो वैल्यू इज वन, क्योंकि आपने पढ़ा था कि टेन एक्स अपॉन एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो हो तो वैल्यू इज वन, तो बेटा वही कॉन्सेप्ट लग गया। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एक्स ही होगा, यहाँ पर कुछ भी लिखाओ बस जो ऊपर हो वही नीचे हो और बस एक्स जीरो की तरफ भागना चाहिए लिमिट पुट करके। समझ रहे हैं बेटा आप बात को? अब हम लोग क्या करेंगे और आगे की तरफ चलते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे हमारे पास जो है ना बेटा, जैसे कई बार एनसीईआरटी एक फॉर्मूला भी लिखता है वन अपॉन कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, हम भी याद रख लेंगे लेकिन पहले कहाँ से आया पहले वो देख लें, सही बात है। तो बेटा हमारे पास भी ऐसा कुछ होता है कि भैया जब ये दे दे और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो दे दे, आपको दिख रहा है पुट करने पर जीरो बाय जीरो बन रहा है, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। बट हमने साइन और टेन में देखे हैं फॉर्मूले, कोस में ज़्यादा फॉर्मूले हमने देखे नहीं, क्यों ना कोस को साइन में बदलने की कोशिश करें, देखना क्या आ रहा है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन माइनस, ये कितना हो जाएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, हाफ एंगल में तोड़ दिया बेटा, साइन बदल दिया, इससे ये कट गया, कितना आ गया बेटा ये लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टू साइन एक्स बाई टू का स्क्वायर, साइन स्क्वायर बोलो या कंप्लीट का स्क्वायर एक ही बात है, ये हो गया एक्स का स्क्वायर। बेटा ये फॉर्मूला बन सकता था, ये फॉर्मूला बन सकता था, लेकिन एक दिक्कत हुई यार कि जो ऊपर में था जो साइन के अंदर है वही तो नीचे में भी चाहिए ना, तो क्यों ना मैं दो का मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करवा लूँ, तो एक्स टेंड्स टू जीरो तो इन टू में रह गया, ये हो गया बेटा साइन एक्स बाई टू, और नीचे में क्या था एक्स, तो उसे भी मैंने एक्स बाई टू ही लिख दिया, और स्क्वायर था ना बेटा तो वन बाई टू का स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ा ना नीचे, तो ऊपर भी वन बाई टू का स्क्वायर का मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा, और बेटा ओवरऑल इसका स्क्वायर भी तो था, मैंने एक साथ लिख लिया, इसको ऊपर भी स्क्वायर था नीचे भी, तो बन गया साइन एक्स बाई एक्स। तो ज़बरदस्ती मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऐसा फॉर्मूला बना लिया करें, देखो ये जहाँ जो है वही नीचे है और एक्स को की लिमिट रखने पर ये जीरो की तरफ भाग रहा है, तो साइन एक्स बाई एक्स की तरह ट्रीट करेंगे, तो साइन एक्स बाई एक्स
एक्स टेंड्स टू जीरो पर क्या हो जाता था, वन, तो इसकी जगह वन पुट कर दूंगा अब मैं, तो कितना हो गया, टू इंटू वन का स्क्वायर इंटू वन बाय फोर इक्वल टू कितना हो गया भैया, वन बाय टू। तो समझ रहे हैं आप चीज़ों को, तो इसे फाइनली रिजल्ट भी आप इसका याद रख सकते हैं, चूँकि एन सी आर टी डायरेक्टली लिख के देता है, बड़ा अच्छा होगा बेटा आप भी याद रख लें, तो थोड़ा बीच में कहीं भी ये दिखेगा आप तुरंत इसको यूज कर लेना। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो इक्वल टू क्या हो गया, इसकी जो वैल्यू है वो गई बेटा वन बाय टू, ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलें, देखिए इस रिजल्ट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, देखिए अगर मेरे पास लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन माइनस, एक मिनट बेटा, यहाँ पर कॉस है एक्चुअली, वन माइनस कॉस, तो मान लीजिए यहाँ पर है वन माइनस कॉस फाइव एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, मुझसे बोला गया कि इसकी जो है आप वैल्यू बताइए, या मान लीजिए थ्री एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू बताइए, तो एक तो ये तरीका है कि मुझे थोड़ा ध्यान आ जाएगा कि भैया वन माइनस कॉस था और अपॉन एक्स स्क्वायर था तो क्या फॉर्मूला था, उससे मैं मैच कराने की कोशिश करूँगा। दूसरा तरीका यह है कि वन माइनस कॉस को मैं क्या कर लूँगा भैया, साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि साइन एक्स बाई एक्स मैंने देखा है। कोई भी एक काम कर लीजिए, मान लीजिए मुझे फॉर्मूला ध्यान आ गया कि यार वन माइनस कॉस एक्स हो और अपॉन एक्स स्क्वायर हो, तो क्या हो जाता था भैया, वन बाय टू हो जाता था, ध्यान है ये वाला फॉर्मूला। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास ये था तो हम ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करें, तो बेटा वन माइनस कोस, तो यहाँ फाइव एक्स है, तो क्यों ना मैं नीचे भी क्या बना लूँ, बस जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए ना बेटा, तो बेटा ये फाइव एक्स है, नीचे भी फाइव एक्स का स्क्वायर होना चाहिए, तो मैं ज़बरदस्ती मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँगा, जैसे वन माइनस कोस फाइव एक्स हो गया और नीचे क्या हो गया, 25 का मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया, पाँच स्क्वायर जिसे आप बोलते हैं, तो और ऊपर नीचे का 25 इसके साथ मैंने मिला के लिख दिया, और लिमिट क्या आती भैया, एक्स टेंड्स टू जीरो, तो ये फॉर्मूला बन गया बेटा ये वाला भाई, कि वन माइनस कॉस एक्स और नीचे एक्स का स्क्वायर, चूँकि एक्स की जगह फाइव एक्स है, बात देखिए एक्स जीरो की तरफ ही जा रहा, तो फाइव एक्स भी जीरो की तरफ ही जा रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होती थी इतने पोर्शन की, वन बाय टू, तो वन बाय टू हो गई, और बेटा जो बचा हुआ लिखा हुआ था ये 25 बाय तीन, ये ऐसा हो गया, तो 25 बाय छः, ये कुछ ऐसा आ गया मेरे पास, तो कोई दिक्कत है बेटा इसमें, ये फॉर्मूला काम कर गया, तो फॉर्मूला ध्यान रहेगा तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, इसे मैच करा लेंगे, तो जैसे साइन एक्स बाई एक्स वगैरह, टेन एक्स बाई एक्स, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इन सबके फॉर्मूला में एक्स की जगह पे एक्जैक्ट एक्स दिखना जरूरी नहीं है, बस जो भी रखा हो वो जीरो की तरफ भाग रहा हो लिमिट पुट करने पे, और ऊपर नीचे में सेम हो तो आंसर वही हो जाता है। ठीक है भैया, और देखिए क्वेश्चन देखिए, और जैसे मान लीजिए मेरे पास बेटा लिखा हुआ है लिमिट, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा, क्योंकि सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा होगा उसका, मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो स्क्वायर रूट वन प्लस टेन एक्स, और देखिए माइनस रूट वन प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, अपॉन एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू क्या है बेटा। देखिए अभी कोई फॉर्मूला तो मैच हो नहीं रहा, जैसे हम लोग जो है अभी तक देखते आए थे, है ना, कि वन माइनस कोस अपॉन एक्स स्क्वायर वगैरह फॉर्मूले थे, या साइन एक्स वाई एक्स, सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है फिलहाल यहाँ पे, कि बेटा स्क्वायर रूट और दो टर्म है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, रैशनलाइज करना चाहिए, सबसे पहले मुझे रैशनलाइज करना चाहिए बेटा, तो जब मैं कॉन्जुगेट से ऊपर वाले के बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो देखना क्या आ रहा है, तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे आप बेटा ऐसे करेंगे ना, आप ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे ला करके, कि रूट वन प्लस टेन एक्स प्लस रूट वन प्लस साइन एक्स, नीचे में भी इसी का मल्टीप्लाई होगा ना बेटा, तो रूट वन प्लस टेन एक्स और प्लस रूट वन प्लस साइन एक्स, बेटा कॉन्जुगेट का आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, ऊपर में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन गया, तो फाइनली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या बन रहा है, फाइनली मुझे दिख रहा है कि टेन एक्स माइनस साइन एक्स हो गया ऊपर में, नीचे वाला ये एक्स क्यूब हो गया, और ये एक्स्ट्रा बचा रह जाएगा इंटू में, तो वन प्लस टेन एक्स प्लस रूट वन प्लस साइन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अच्छा हम लोग पहले ही वैसे लगा चुके थे लिमिट ये, ठीक है भैया, कोई दिक्कत है इसमें,
तो ये मेरे पास वैल्यू हो गई। ध्यान रखें, अगर मैं यहाँ पर एक अच्छा सा फॉर्मूला बना देता हूँ तो ये तो एक अच्छी वैल्यू दे रहा है ना, इनटू में जीरो या इन्फिनिटी वगैरह तो कुछ दे नहीं रहा है, तो इसको तो ऐसी बाद में सीधे सीधे वैल्यू रख देंगे। जितना जो जीरो या इन्फिनिटी बना रहा होता है उसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो एक्स को जीरो रखने पर ये क्या बना रहा है, जीरो माइनस जीरो जीरो और नीचे भी जीरो, तो जीरो बाय जीरो। इसको सॉल्व कर लो, क्यों ना मैं टेन को क्या करूँ, साइन कोस में ब्रेक कर दूँ और साइन एक्स कॉमन ले लूँ। तो साइन एक्स अगर मैंने कॉमन लिया तो नीचे से एक एक्स क्यूब में से एक एक्स कॉमन लिया, तो एक तो ये बन गया, साइन अपॉन कोस लिखा था तो नीचे में एक कोस रह गया, ये ऐसे एलसीएम आकर वन माइनस कोस बन गया बेटा ऊपर में, नीचे में क्या रह गया हमारे पास एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर रह गया बेटा, चूँकि एक एक्स तो यहाँ लिख चुके, तो एक फॉर्मूला ये बन गया और ये वाला ऐसे ही रह गया। तो बेटा इनटू इनटू में बहुत सारे फॉर्मूला एक साथ बन रहे हों और सब अलग अलग अच्छी अच्छी वैल्यू दे रहे हों तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, एक साथ सबको पुट कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं करना है कि इनटू में बहुत सारे फॉर्मूला हैं, एक ने अच्छी वैल्यू दे दी, उस वैल्यू को आपने फर्दर यूज कर लिया, ये नहीं होना चाहिए। सब अपने इंडिपेंडेंट अच्छी वैल्यू देने चाहिए। तो बेटा जब इसमें आप पुट करेंगे, जब आप जो है बेटा इस वाले में पुट करेंगे साइन एक्स वाई एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो तो क्या हो जाएगा वन, जब यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा वन अपॉन कोस जीरो मतलब वन, जब यहाँ पुट करेंगे तो वन माइनस कोस अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स टेंड्स टू जीरो क्या हो जाएगा बेटा वन बाई टू, जब बेटा आप यहाँ पर पुट करेंगे तो वन अपॉन जब एक्स को जीरो पुट करेंगे तो वन अपॉन वन प्लस वन मतलब वन बाई टू, ये कुछ ऐसा हो गया बेटा। तो फाइनल वैल्यू क्या हो गई वन बाई फोर, ये हमारे पास आंसर हो गया। तो बात बेटा समझ में आई होगी शायद आपको कि हमें जो है कैसे आगे बढ़ना है, सही है। तो बेटा वो भाई स्क्वायर रूट था, दो टर्म थी तो रैशनलाइज कराना बनता है ना, और रैशनलाइज के बाद बेटा साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स दिखे तो हमने उनको कॉमन वगैरह लेके फॉर्मूले मैच करा लिए। तो कई सारे ऐसे इंटू में आप फॉर्मूले बना लिया करो, लेकिन ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मूले की वैल्यू रख दी वो फर्दर दूसरे में जाकर यूज हो रही है तब उसकी वैल्यू रख रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। पैरेलली सब अपनी अपनी अच्छी वैल्यू अलग अलग दे देने चाहिए, तब सबको एक साथ पुट कर देना है, ठीक है भैया। और आगे चल के देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मान लीजिए मेरे पास बेटा लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन बाय एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस कोस टू एक्स अपॉन टू, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, तो सिंप्लीफाई तो आप वन माइनस कोस टू थीटा कैसे करते हो, ऐसे वन माइनस टू साइन स्क्वायर में बदल देते हो ना बेटा हाफ एंगल में, ऐसे वन से वन कट गया, ऊपर के दो से नीचे का दो कट गया, साइन स्क्वायर के ऊपर में रूट है तो बेटा साइन स्क्वायर बाहर आएगा, लेकिन आप जानते हैं कि जब एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट हो तो मोड निकल के आता है, ऐसे नहीं होगा वो, तो बेटा मोड साइन एक्स बाहर आएगा। ये जल्दबाजी में गलतियाँ सभी कर बैठते हैं, ध्यान रखना स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हो, साइन स्क्वायर के ऊपर साइन रूट था स्क्वायर रूट, तो बेटा मोड लगा के बाहर निकालना, ठीक है। अच्छा, अब जब तक मोड को आप सिंप्लीफाई नहीं करोगे तब तक जो है आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो बेटा इसको जब आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जैसे साइन एक्स का मोड अपॉन एक्स है तो लिमिट तो बाद में यूज करेंगे, पहले मोड हटाएंगे ना, तो हम जानते हैं बेटा कि अगर हमारे पास एक्स जीरो या जीरो से मतलब जीरो से बड़ा है अगर एक्स, तो क्या होता है मोड सीधे साइन एक्स पॉजिटिव होगा जीरो से बड़े के लिए तो मोड सीधे हट जाएगा, और बेटा अगर एक्स नेगेटिव हुआ तो बेटा साइन एक्स नेगेटिव होगा तो माइनस लगा के मोड हट जाएगा। तो ये बेटा कुछ मेरे पास जो है वो ऐसा हो गया, कोई दिक्कत है? अच्छा, तो बेटा लेफ्ट साइड में ये काम करेगा और राइट साइड में ये वाला काम करेगा, ये मेरा आर एच एल पे काम करेगा और ये जो है मेरा एल एच एल पे काम करेगा, अलग अलग लीफ हो गई। और जब अलग अलग लीफ दी हो दोनों साइड में आपको लिमिट निकालनी हो तो एल एच एल के लिए सीधे लेफ्ट साइड वाले में लिमिट आप लगा देते हैं, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो किस में लगा देंगे, लेफ्ट वाले में, इसमें माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स में, तो माइनस ऐसे ही रह गया, साइन एक्स अपॉन एक्स ने क्या दे दिया भैया वन, तो ओवरऑल हो गया माइनस वन। अगर मैं बेटा आर एच एल की बात करूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ये साइन एक्स बाय एक्स, साइन एक्स बाय एक्स तो पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा वन। तो बेटा एल एच एल आर एच एल डिफरेंट आ गए, तो क्योंकि एल एच एल और आर एच एल बेटा अलग अलग आए हैं, इसका मतलब हमें क्या बोलना पड़ेगा कि ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है बेटा। हाँ, इसमें ऐसा है हमारे पास कि आप क्या कर सकते थे, आप जल्दबाजी में बस इतना करते भैया कि स्क्वायर रूट के ऊपर में जैसे स्क्वायर रूट के अंदर में साइन स्क्वायर आया था तो आप सीधे मोड ना लगाते तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाती और आंसर वन आ जाता, लेकिन बेटा वो गलत था। तो इस बात का ना, ये जो बेसिक मैथ्स मैंने पढ़ाया था इनका अच्छे से आप ध्यान रखा करें बेटा, ये कहीं भी यूज हो सकते हैं।
ठीक है, और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए मुझे दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टेन एक्स अपॉन टेन थ्री एक्स, तो ज़्यादा टेंशन ना लिया करें। आप क्या कर सकते हैं बेटा, आपको पता टेन एक्स वाई एक्स का फॉर्मूला है हमारे पास, तो क्यों ना मैं ऐसे करूं, एक्स का यहाँ डिवाइड भी कर दूं और मल्टीप्लाई भी कर दूं, और जो मल्टीप्लाई ऊपर में किया है वो इसके साथ कंपनसेट होकर फॉर्मूला बना देगा, थ्री का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। तो बेटा ये एक फॉर्मूला बन गया एक्स टेंड्स टू जीरो टेन एक्स वाई एक्स, एक्स टेंड्स टू जीरो टेन एक्स वाई, ये भी तो वही है एक्स वाई टेन एक्स, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हैं और एक्स स्क्वायर की लिमिट रखने पर जीरो की तरफ भाग रहे हैं, तो एक्स वाई टेन एक्स की तरह काम करेंगे। तो कितना हो गया बेटा ये वन इंटू वन इंटू वन बाय थ्री, तो फाइनली क्या हो गया हमारे पास वन बाय थ्री, ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है भैया इसमें, आगे चलें। देखिए नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए, जैसे बेटा जीरो बाय जीरो काम करता है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी तो काम कर सकता है, उसको कैसे हैंडल करना है देखिए। जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास लिखा हुआ है एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा मेरे पास टेन एक्स बाय टेन थ्री एक्स, इसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। आपने एक्स टेंड्स टू जीरो पर आपको बहुत ज़्यादा आदत है एक्स, एक्चुअली मैं यहाँ बात कर रहा हूँ चेंजिंग द लिमिट, आप छोटा सा हेडिंग भी डाल सकते हैं बेटा चेंजिंग दी लिमिट, ये आप हेडिंग बोल सकते हैं इसको, क्योंकि बात ऐसी है ना बेटा, हम जितने भी फॉर्मूला यहाँ देखते फिर रहे हैं लिमिट के, वो एक्स टेंड्स टू जीरो पर हैं ज़्यादातर, ज़्यादातर जो फॉर्मूले हैं बेटा वो एक्स टेंड्स टू जीरो पर हैं। अब हमारे पास क्या है, जैसे पाई बाई टू दे दिया, ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या करें आप जो है बेटा चेंज कर लिया करें, आप सबसे पहले क्या क्या करें कि लिमिट को चेंज करके जीरो बना दिया करें, तो फॉर्मूला मैच होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, स्पेशली टिक्नोमेट्री वाले फॉर्मूले, क्योंकि सारे टिक्नोमेट्री वाले फॉर्मूले जैसे साइन एक्स बाई एक्स टेन एक्स बाई एक्स एक्स बाई टेन एक्स वन माइनस कोस अपॉन एक्स स्क्वायर, जितने भी हमारे पास फॉर्मूले थे सब एक्स टेंड्स टू जीरो में हमारे काम कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी हमने याद किए हैं, तो क्यों ना हम लिमिट को चेंज कर दिया करें ताकि फॉर्मूले हमारे बन जाएं, वो वाले मैच हो जाएं। तो लिमिट चेंज कैसे करनी है वो देख लीजिए, आप एक काम कर लिया कीजिए बेटा, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया एक्स टेंड्स टू जीरो की मुझे बात करनी है, तो आप एक्स की जगह मान लीजिए क्या रख दिया आपने, पुट कर दिया एक्स इक्वल टू पाई बाई टू प्लस एच वेयर एच टेंड्स टू जीरो, तो मतलब मैंने क्या किया बेटा यहाँ पर एक्स की जगह पर पाई बाई टू प्लस एच रख दिया, मतलब जो लिमिट हो जो लिमिट दी हो उसमें h ऐड करके रख दिया करो बस, अपॉन 10 3 पाई बाय 2 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू जीरो बस, कि मतलब जो भी लिमिट दी हो हर जगह x की जगह पे क्या करें वो लिमिट प्लस h रख दें और h को जीरो की तरफ कर दें, चूंकि बेटा h को जीरो की तरफ भगा दिया तो खुद x की वैल्यू तो पाई बाय 2 ही हो गई ना, तो बात वही हो गई कि पाई बाय 2 पुट करने जा रहे हैं। अब देखिए ये 10 पाई बाई टू प्लस एच कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, 10 पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है माइनस कोट थीटा, तो माइनस कोट एच अपॉन 3 पाई बाई टू प्लस 3 एच हो जाएगा, तीन का मल्टीप्लाई होकर 3 पाई बाई टू प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया, तो ये हो जाएगा निगेटिव वहाँ भी, तो कोट 3 एच, ये बेटा कुछ ऐसा बन गया हमारे पास एच टेंड्स टू जीरो, माइनस से माइनस कट गया। इधर ले आते हैं बेटा कोट में, हमने फॉर्मूले नहीं देखे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री के, हमने ना इसमें ज़्यादा देखे थे 10 में, तो क्यों ना एक काम करें इसको वन अपॉन करके लिख दें, जब वन अपॉन करके आप लिखेंगे तो नीचे का कोट 3h ऊपर पहुंच जाएगा 10 3h बना देगा, और ऊपर का कोट h नीचे आ जाएगा तो 10 h बना देगा। बेटा आप एक काम करें लिमिट h टेंड्स टू जीरो पे ना 10 h वाई h वगैरह बन सकते हैं ना, तो क्यों ना मैं एक काम करूं बेटा, जैसे 10 3h है मैं 3h का नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे करूंगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, बेटा फॉर्मूला मैच कर गए अब h टेंड्स टू जीरो पे, तो फॉर्मूला है ना हमारे ऐसे, देखो ये रहा ये टेन एक्स वाई एक्स हो गया, ये एक्स तो ये भी एक्स, और एक ये फॉर्मूला हो गया, जो अंदर में हो बस वही बाहर में चाहिए, ये तीन ऐसे बाहर में रह गया हमारे पास, तो ये क्या हो गया टेन एक्स वाई एक्स का फॉर्मूला एच टेंड्स टू जीरो पर क्या हो गया वन इंटू, ये थ्री अलग में रह गया और ये अपने आप में एक अलग फॉर्मूला बन गया इधर वाला एच अपॉन टेन एच, तो ये एक फॉर्मूला हो गया अलग वन, तो वैल्यू हो गई बेटा थ्री। तो समझ रहे हैं आप बात को, कि जब भी कोई दूसरी लिमिट दे, जब भी कोई दूसरी लिमिट दे जीरो के अलावा, तो आप उसको थोड़ा चेंज कर लिया करें, क्योंकि टिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले जो ये 10x और ये सब हमने देखे हैं, ये बेटा हमने तब देखे हैं जब x टेंड्स टू जीरो था, तो लिमिट को चेंज करें। लिमिट को चेंज कैसे करना है, जो लिमिट दी हो उसमें या तो
प्लस एच कर दें या माइनस एच कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए इसमें आपने एच ऐड करके लिमिट में एच ऐड करके हर जगह एक्स की जगह पर रख दिया और एच टेंस टू बाहर जीरो लगा दिया, बस लिमिट जीरो बन गई और भैया जीरो लिमिट में हमारे सारे फॉर्मूले मैच हो जाते हैं। समझ गए कैसे हमें जीरो के अलावा कोई दूसरे लिमिट हो तो कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, लिमिट चेंज करके जीरो बना लेंगे तब हम जो है फिर आगे काम करेंगे। तो बेटा ये जो है आज का जो लेक्चर है हमारे पास वो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है बेटा। अब अगर मैं आगे की बेटा बात करूँ तो आगे हमारे पास जो है काफ़ी और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट अभी आने वाले हैं अगले 2-3 दिनों में लिमिट के, ठीक है। तो बेटा आप जो है अभी ITF तो आपने लगा लिया होगा, आपका टेस्ट वगैरह भी होगा कल इसका ITF का, है ना। और उसके बाद जो अभी आगे का हमारा टेस्ट होने वाला है, जो नेक्स्ट RT होने वाला RT3, वो उसमें हमारे पास लिमिट भी आएगी, उसमें हमारे पास बाकी पुराने चैप्टर्स भी आएंगे, ठीक है बेटा। तो लिमिट को आप पैरेलली पढ़ते जाना, क्योंकि जैसे ही जो टेस्ट होगा उसके जस्ट पहले दिन तक की लिमिट हमारे पास आएगी, ठीक है भैया। अच्छा अभी आप जो है क्या कर सकते हैं, स्पेशल DPP 1 लगा लीजिए लिमिट की स्पेशल DPP 1 अभी तक आप लगा सकते हैं, उसको आप होमवर्क में ट्राई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत है, ठीक है बेटा। तो ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहिए। और मैं फिर यही कह रहा हूँ, कल टेस्ट है, हर कोई टेस्ट दीजिए, टेस्ट से भागोगे तो अपनी रैंक से भागोगे, अपनी JEE में सफलता से भागोगे, ध्यान रखना। तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, अगर आपको अच्छी रैंक IIT में चाहिए, JEE में चाहिए, अच्छी IIT में पहुंचना है, अच्छी NIT में पहुंचना है, तो भैया अगर आप भले ही एकदम पिछड़े हुए स्टूडेंट हो, अगर मान लीजिए आप बिल्कुल ही जो है मतलब लास्ट में आता हो आपका रिजल्ट, लेकिन कहीं ना कहीं आप कंटिन्यूटी अगर टेस्ट में रखोगे और टेस्ट में जितने क्वेश्चन आएंगे उनको धीरे धीरे आप समझते हुए आगे के लिए उनको सीख के रख लोगे, तो फ्यूचर में वैसे ही क्वेश्चन आगे पैटर्न काफ़ी मैच होने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप बेटा एक अच्छी IIT भी नहीं तो कम से कम एवरेज या ऐसी कोई या अच्छी NIT तो आपको मिल ही जाएगी, अगर आप बिलो एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो भी। लेकिन अगर आप अभी डर के भागने लग गए, चीज़ों से दूर भागे, बोले सोचे यार अभी टेस्ट नहीं देते हैं क्योंकि अभी परफॉर्मेंस गिर जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, तो बेटा आप पिछड़ते जाएंगे और लास्ट में आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। IIT पहुँचना है, अच्छा इंजीनियर बनना है तो सारे टेस्ट देने हैं, ध्यान रखो। और मैथ्स को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है बेटा, बहुत ज़्यादा, ध्यान रखना। जितना केमिस्ट्री और फिजिक्स को मिला के टाइम देना पड़ता है उससे ज़्यादा मैथ्स को टाइम देना पड़ता है घर पे, तभी अच्छे मार्क्स आते हैं, क्योंकि मैथ बहुत दिमाग चाहिए होता है मैथ्स के लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहें, बार बार प्रैक्टिस करते रहें, लेक्चर नोट्स जो आप लिखते हैं ना उनकी 3-3, 4-4 बार प्रैक्टिस कर लो हर टेस्ट से पहले, तब जा करके आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है। थैंक यू।